Today, we discuss about some topics of virtualization. Input-output virtualization. In input-output virtualization involve managing the routing of input-output requests between the virtual device and the shared physical hardware devices. There are three ways to implement input-output or virtualization. First is full device emulation. Second is para-virtualization. Third is direct input-output device. First is full device emulation. This is first approach for input-output virtualization. Generally, this approach emulate well-known real-world devices. इसके अंदर क्या होता है? Full device emulation के अंदर एक emulator होता है, जो किसके ऊपर होता है? Hardware के ऊपर होता है. All the function of the device, such as इसके अंदर बहुत सारे devices होते हैं. कौन-कौन से? Enumeration, identification, interrupt, direct memory access. एंड कुछ सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जिसके अंदर होते हैं ये सारे फुल डिवाइस इम्यूलेशन के अंदर होते हैं. दिस सॉफ्टवेयर इज लोकेटेड इन वर्चुअल मॉनिटर मशीन्स एंड एक्ट एज अ वर्चुअल डिवाइस. यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो अलग अलग लोकेशन पर क्या होते हैं, मॉनिटर किए जाते हैं और वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, लाइक एज अ वर्चुअल डिवाइस. सेकेंड इज पैरा वर्चुअलाइजेशन, इनपुट आउटपुट वर्चुअलाइजेशन. द पैरा वर्चुअलाइजेशन मेथड ऑफ वर्चुअलाइजेशन इज अ टिपिकली यूज इन जैन. जैन मैंने आपको पहले बताया था प्रीवियस वीडियोज के अंदर. जैन क्या है, एक टाइप का हाइपरवाइजर है जो क्या होता है आपके हार्डवेयर के ऊपर रन किया जाता है. इट इज नोन एज द स्प्लिट ड्राइवर मॉडल कंसिस्टिंग फ्रंट एंड एंड बैक एंड ड्राइवर. पैरा वर्चुअलाइजेशन के अंदर दो ड्राइवर्स होते हैं, फ्रंट एंड ड्राइवर होते हैं और एक बैक एंड ड्राइवर होते हैं. फ्रंट एंड ड्राइवर का क्या काम होता है, जो गैस डिवाइस है उसके ऊपर जो इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट आएगी उसको मैनेज करता है. और बैक एंड ड्राइवर का क्या काम है, ये मैनेज करता है रियल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, उनका जो रिस्पॉन्स करेगा उसके लिए क्या करता है, ये मैनेज करता है उसको. फ्रंट एंड ड्राइवर क्या करता है, गैस डिवाइस के इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को मैनेज करता है, जबकि बैक एंड ड्राइवर क्या करता है, रियल इनपुट आउटपुट के जो रिस्पॉन्स है उनको मैनेज करता है. नेक्स्ट इज डायरेक्ट इनपुट आउटपुट वर्चुअलाइजेशन. डायरेक्ट इनपुट आउटपुट वर्चुअलाइजेशन के अंदर अपन VMs जो है, अपनी वर्चुअल मशीन जो है उनको अपन डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, जबकि CPU की कॉस्ट क्या हो जाती है इसमें, ना के बराबर लगती है, बिकॉज अपन किस पर काम कर रहे होते हैं, सारा वर्चुअल मशीन्स के ऊपर. सेकेंड इज सर्वर वर्चुअलाइजेशन. द सर्वर वर्चुअलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटर यूज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू डिवाइड वन फिजिकल सर्वर इंटू मल्टीपल आइसोलेटेड वर्चुअल एनवायरनमेंट. द वर्चुअल एनवायरनमेंट आर समटाइम्स कॉल्ड वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स. जब अपन सर्वर्स बनाएंगे, मतलब जब अपन सर्वर का वर्चुअलाइजेशन करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्वर बनाएंगे. एक अपने पास एक हार्डवेयर होगा, उसके ऊपर अपन क्या बनाएंगे, छोटे छोटे सर्वर बनाएंगे, अलग अलग सर्वर्स बनाएंगे. वो क्या, उससे क्या होगा कि आपका जो काम होगा वो बहुत फास्ट हो जाएगा, बिकॉज अभी एक ही पूरा हार्डवेयर है तो उसी को सब लोग काम करेंगे, तो उस पर क्या हो जाएगा, लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ओवरहेड बहुत ज़्यादा हो जाएगा. जब आप सर्वर का वर्चुअलाइज कर दोगे, सर्वर को आप स्प्लिट कर दोगे, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका जो काम है वो बहुत फास्ट हो जाएगा. बट दे आर ऑल्सो नोन एज गेस्ट इंस्टेंसेज एंड कंटेनर्स. सर्वर वर्चुअलाइजेशन को अपन क्या बोलते हैं, गेस्ट भी बोलते हैं, इंस्टेंस भी बोलते हैं और कंटेनर्स भी बोलते हैं. देयर आर थ्री पॉपुलर अप्रोचेज टू सर्वर वर्चुअलाइजेशन. यहाँ पर तीन मेन पॉपुलर अप्रोच हैं सर्वर वर्चुअलाइजेशन की. फर्स्ट इज द मशीन मॉडल, द पैरा वर्चुअलाइजेशन मशीन मॉडल एंड द OS लेवल मॉडल. फर्स्ट इज द वर्चुअल मशीन मॉडल. दिस अप्रोच अलाउ द गेस्ट OS रन द विदाउट मॉडिफिकेशन. इसके अंदर जो आपने गेस्ट OS बनाई है उसके अंदर अपन कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे. इट इज ऑल्सो अलाउ द एडमिनिस्ट्रेटर टू क्रिएट द गेस्ट दैट यूज अ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम. The guest that has no knowledge of the host operating system because it is not aware that is not running on the real hardware. इसमें जो guest है उसको बिल्कुल पता नहीं होता है इस बात के बारे में कि वो real hardware पर run नहीं कर रहे हैं, वो किस पर काम कर रहे हैं, VMs पे काम कर रहे हैं. सेकेंड इज पैरा वर्चुअलाइजेशन मशीन मोड. इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर जो OS है उसको पहले से ही पता होगा कि अपन किस पर काम कर रहे हैं, और वर्चुअल मशीन एक्चुअली मॉडिफाइड गेस्ट OS ऑपरेटिंग सिस्टम कोड. और इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड को इजीली चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. लास्ट इज द OS लेवल मॉडल. इसके अंदर क्या होगा, गेस्ट OS मस्ट यूज द सेम OS ऑल्दो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेम सिस्टम आर अलाउड. इट ऑल्सो रिड्यूस द CPU ओवरहेड. क्या करता है ये भी, CPU के ओवरहेड को कम करता है. इट ऑल्सो रिक्वायर्ड दैट ईच पार्टीशन
remain strictly isolated from its neighbor so that a failure or the security breach in one partition is not able to affect any other partition. इसके अंदर अपन क्या करेंगे, हर जो अपन ने जो पार्टीशन किया है हर एक पार्टीशन को अपन उसके नेबर से क्या रखेंगे, आइसोलेट रखेंगे, जिससे क्या होगा यदि कोई एक आपका मान के चलो एक ओएस का अपन ने किया वर्चुअलाइजेशन, यदि एक ओएस आपकी फेल हुई यानी कि एक वर्चुअल मशीन यदि फेल हुई तो जो रिमेनिंग वर्चुअल मशीन है वो अफेक्ट नहीं होंगी, वो क्या करती रहेंगी अपने काम को इजीली कंटिन्यू रख सकती हैं। नेक्स्ट इज मेमोरी वर्चुअलाइजेशन। ईच एप्लीकेशन सीड्स इट्स ओन लॉजिकल मेमोरी इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल मेमोरी। इसके अंदर हर एक एप्लीकेशन अपनी फिजिकल अपनी लॉजिकल मेमोरी को देख सकती है फिजिकल मेमोरी से इंडिपेंडेंट होके। इट जस्ट गिव इल्यूजन टू यूजर समथिंग विच इज अपियर टू बी प्रेजेंट बट एक्चुअली इट इज नॉट। ये एक ऐसा प्रटेंड करती है कि एक्चुअल में है बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, दिस इज जस्ट इल्यूजन। अ प्रोग्रामर कैन राइट अ प्रोग्राम विच रिक्वायर मोर मेमोरी देन कैपेसिटी ऑफ मेन मेमोरी, सच अ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूट बाय वर्चुअल मेमोरी। सपोज करो एक प्रोग्रामर ने एक प्रोग्राम लिखा जिसकी कैपेसिटी क्या है, मोर देन मेन मेमोरी, मेन मेमोरी से उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो वो प्रोग्रामर क्या करेगा, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा बाय द टेक्निक्स ऑफ वर्चुअल मेमोरी। वी कैन रन मल्टीपल एप्लीकेशन एट वंस एंड रिमूव द लिमिट ऑफ फिजिकल मेमोरी। ये क्या है, वर्चुअल मेमोरी वर्चुअलाइजेशन का बेनिफिट है कि इसके अंदर अपन एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को एक साथ रन करवा सकते हैं और फिजिकल मेमोरी के लिमिट को अपन क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके पास सपोज करो बहुत सारी मेमोरी है और उनमें कुछ कुछ स्पेस खाली है, ठीक है, किसी में 50 MB खाली है, किसी में 10 GB खाली है, किसी में 100 MB खाली है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, जो रिमेनिंग जो स्पेस बचा हुआ है उसको आप कलेक्ट करोगे और क्या करोगे, एक मेमोरी बना लोगे। उसके बाद उस मेमोरी को आप क्या करोगे, जिनको उस मेमोरी की नीड है उस मेमोरी को आप वहाँ पर वर्चुअलाइज करोगे। ये क्या हो जाएगा, आपका मेमोरी वर्चुअलाइजेशन। थैंक यू।